नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई कि दिवाली पर मिल सकती है केंद्रीय कर्मचारियों को 2,18,200 रुपये। तो जाने कि इतनी बड़ी खुशखबरी दिवाली पर जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है उसकी डिटेल। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर एक बार फिर सैलरी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, उनके लिए 18 महीने के बकाए एरियर को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और पेंशनर के लिए महंगाई राहत 28% मिलना शुरू हो गया है। केंद्रीय सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। अब एक बार फिर त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते का ऐलान इसी महीने में हो सकता है। हालांकि इसकी कोई अभी नई अपडेट लाइन तय नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक सरकार सितंबर में ऐलान करके इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी में कर सकती है। कर्मचारी यूनियन का मानना है कि सितंबर में महंगाई भत्ते का ऐलान होता है तो अगर सरकार को जुलाई से लेकर अब तक का एरियर भी देना होगा, क्योंकि पहले ही 1.5 साल का एरियर पर कोई बात नहीं बन रही है। कर्मचारी यूनियन की मांग है कि सरकार को जल्द ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत तो मिल सके। AICPI आंकड़ों के मुताबिक 121.7 पर पहुंच चुका है। ऐसे में जून 2021 के लिए DA में 3% का इजाफा होना तय है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें यह 121.7 पर पहुंचा है। इस लिहाज से कुल DA 31.18% बैठता है, लेकिन DA का भुगतान राउंड फिगर पर होता है। ऐसे में DA 31% ही मिलेगा। अब फिर 3% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31% के स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर अच्छी बढ़ोतरी होगी। CM सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि जल्द ही सरकार इसका ऐलान करती है तो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेवल 1 के कर्मचारियों का DA का एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच में बनता है, जबकि लेवल 14 के लिए कैलकुलेशन की जाए तो एक कर्मचारी के हाथ में DA का 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक आएगा। पिछले साल के मुताबिक कुल महंगाई भत्ता 11% बढ़ चुका है। सरकार ने जुलाई 2021 में इसे 28% कर दिया था। अब जून 2021 में अगर यह 3% बढ़ता है तो इसके बाद महंगाई भत्ते के साथ 31% पर पहुंच जाएगा। हालांकि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसे 1,55,000 रुपये DA मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों ने DA बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ा दिया गया है और ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने HRA को बढ़ाकर 27% कर दिया है। महंगाई भत्ते के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के केंद्रीय कर्मचारियों की तो बल्ले ही बल्ले हो गई है। HRA में अलग अलग कैटेगरी के लिए 1 से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से ही 27%, 18% और 9% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। फिलहाल तीनों क्लास के लिए 24%, 16% और 8% ही हाउस रेंट अलाउंस है। तीनों कैटेगरियों के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5600 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये ही होगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि न्यूनतम DA बढ़ोतरी 5,040 रुपये होगी और न्यूनतम HRA की बढ़ोतरी हर महीने 1,800 रुपये होगी। हालांकि सितंबर में आने वाली सैलरी में 6,840 रुपये का इजाफा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।